जंगल में भटकलन। परमेश्वर इसराइली लोग के उन नियम के बतावल खत्म कैले जेवन की वो लोग से बंधले रहले। वो वादा के कारण जीवन पालन करे के बा फिर उ सीने पर्वत से आगे उ लोग के अगुवाई कैलन। उ लोग के वादा के देश में ले जाइल चाहत रहले। ये देश कनान भी कहलात रहे। परमेश्वर बादल की खंभा में उ लोग के आगे आगे चलले औरी उ लोग उनकरी पीछे पीछे चलले। परमेश्वर अब्राहम इसहाक औरी याकूब से वादा कैले रहले कि उ वादा का देश उनकरी पीढ़ी के दीहें। लेकिन ए समय उहवा बहुते जाति के लोग रहत रहले। उ कनानी कहलात रहले। ई कनानी लोग परमेश्वर का आराधना ना करत रहले औरी उनकरी आज्ञा के ना मानत रहले। उ झूठे देवतन की पूजा करत रहले औरी बहुते बुरा काम करत रहले। परमेश्वर इसराइली लोग से कहले कि जब तू वादा के देश में जइहा तो उहां की कुल कनानी लोग से छुटकारा पा लीहा। उ लोग के साथ मिलाप मत करीहा औरी उ लोग से बिया मत करीहा। तोहके ओ लोग के कुल मूर्तियन के पूरी तरह से नाश क देवे के बा। यदि तू हमार आज्ञा के ना मनबा तो हमारी बदले उ लोग की देवतन के पूजा करे लगबा। जब इसराइली लोग कनान की सीमा पर पहुँचले मूसा इसराइल की हर गोत्र में से एक हगो करी के 12 आदमी के चुनले। उ उनके जाके ओ देश का भेद लेवे खातिर निर्देश दिहले कि उ कैसन देश बाटे। उ लोग ओ कनानी लोग के भी भेद लेवे के रहे कि देख कि उ लोग बलशाली बाड़े कि कमजोर बाड़े। उ 12 आदमी पूरा कनान से होत 40 दिन का यात्रा कैले कि औरी फिर उ वापस लौट आइले। उ लोग लोगन से बतियाइले उ देश बहुते उपजाऊ बाटे औरी फसल बहुत बाटे। लेकिन 10 गो भेदी लोग कहले उ नगर बहुत मजबूत बा औरी उ लोग लंबा चौड़ा बाड़े। यदि हमनी का उ लोग पर हमला करे के त निश्चित रूप से उ लोग हमनी के हरा दीहें औरी हमनी के मार दीहें। तुरंते कालेब औरी यहोशू औरी दूसर दूगो भेदिया कहले ई सच बात हो कि कनान का लोग लंबा औरी बलशाली बाड़े। लेकिन निश्चित रूप से उ लोग के हमनी को हरा देवे के परमेश्वर हमनी खातिर लड़िहें। लेकिन लोग कालेब औरी यहोशू को ना सुनले। उ लोग मूसा औरी हारून पर हिंसा गईले औरी कहले तू हमनी के ई भयानक जगह पर काहे के लेके आइला हा। हमनी के मिस्र में रहे के चाहत रहल हा। यदि हमनी ओ देश में जाए के तो हमनी का लड़ाई में मरा जाए के औरी कनान का लोग हमनी के औरतन के औरी लइकन के गुलाम बना ली हैं। उ लोग अपना के वापस मिस्र में ले जाए खातिर एगो दूसर अगुआ के चुनल चाहत रहले। जब उ लोग ऐसन कहले तो परमेश्वर बहुते गुस्सा हो गईले। उ मिलाप वाला तंबू में आइले और कहले तू लोग हमारी विरोध में बलजोरी कैला हो जा यही से कुल जना के ये जंगल में भटके के पड़ी। हर एक जना जे 20 बरिस से चाहे उसे अधिका उम्र के होखे उहां मर जइहें।
और कबो भी वो देश में जा ना पाए। जेवन हम तोहके देत बानी खाली कालेब औरी यहोशू ओमे जइहे। जब लोग परमेश्वर के ऐसन कहत के सुनले त उनके बहुत दुख भइल, काहे से कि उ लोग पाप कैले रहले। यही से उ लोग कनान की लोगन पर हमला करे कर निर्णय कैले। मूसा उ लोग के ना जाए खातिर चेतावनी दिहले, काहे कि परमेश्वर उ लोग के साथे ना जइहे, लेकिन उ लोग उनकर ना सुनले। परमेश्वर ए लड़ाई में उ लोग के साथ ना रहले, यही से कनानी लोग उ लोग के हरा दिहले औरी उ लोग में से बहुते लोगन के मार दिहले। तब इसराइली लोग कनान से वापस लौट गईले। अगला 40 बरिस तकले उ लोग जंगल में एनी ओनी भटकत रहले। इसराइली लोग की द्वारा जंगल में भटकला के 40 बरिस के बीच परमेश्वर उ लोग के जरूरत के पूरा कैले। उ लोगन के स्वर्ग से मन्ना कहाए वाला रोटी दिहले। उ बटेरन के झुंड के भी जेवन की मध्यम आकार का पक्षी होली उ लोग के छावनी में भेजले, ताकि उ लोग के पास खाए के खातिर मांस हो जा। ओ कुल समय में परमेश्वर उ लोग के कपड़ा के औरी जूता के फटला से बचैले। यहाँ तक परमेश्वर उ लोग के पिए खातिर चमत्कार से चट्टान में से पानी निकलले। लेकिन ई कुल की बात भी इसराइली लोग परमेश्वर के विरुद्ध औरी मूसा के विरुद्ध में शिकायत कैले औरी कुड़कुड़ैले। तब पर भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहले। उ जेवन वादा कैले रहले कि उ अब्राहम इसहाक औरी याकूब की पीढ़ी के खातिर करी है उ के कैले। एगो औरी समय जब उ लोग के पास पानी ना रहे त परमेश्वर मूसा से कहले, चट्टान से बात कर औरी ओ से पानी निकली। लेकिन मूसा चट्टान से बात ना कैला की बदले उ छड़ी से चट्टान पर दो बार मार दिहले। ये तरह से उ परमेश्वर का अपमान कैले। सब लोग के पिए के खातिर पानी त चट्टान में से त निकल आईल, लेकिन परमेश्वर मूसा से गुस्सा गईले। उ कहले, काहे से कि तू ऐसन कैला ह, यही से तू वादा के देश में जा ना पाइब। जब इसराइली लोग 40 बरिस तकले जंगल में भटक चुकले, तब जेवन लोग परमेश्वर के विरोध में बलजोरी कैले रहे उ सब लोग मर गईले। तब परमेश्वर उ लोग के फिर से ओ वादा की देश में सिवान तकले ले गईले। अब मूसा बहुत ही बूढ़ा हो गईल रहले। यही से परमेश्वर लोगन के अगुवाई करे में उनकर सहायता करे के खातिर यहोशू के चुनले। परमेश्वर मूसा से ई वादा कैले रहले कि एक दिन उ लोग के पास मूसा जैसन एगो भविष्यता के भेजिहे। तब परमेश्वर मूसा के एगो पर्वत की चोटी पर जाए के खातिर कहले, ताकि उ वादा के देश के देख सके। मूसा ओ वादा के देश के देखले, लेकिन परमेश्वर उनके जाए के खातिर अनुमति ना दिहले। तब मूसा मर गईले और इसराइली लोग 30 दिन तक शोक मनैले। यहोशू ओ लोग के नया अगुआ बन गईले। यहोशू एगो अच्छा अगुआ रहले, काहे से कि उ परमेश्वर पर भरोसा कैले और उ उनकरी बात के भी मनले। निर्गमन अध्याय 16-17, गिनती 10-14, 20-27, व्यवस्था विवरण 34 तक
एगो बाइबिल का खिस्सा